आप सभी का स्वागत है चैनल के एक और नए वीडियो में। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड रॉयल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आप लोग देखने वाले हो गोल्ड रॉयल के साथ साथ नेक्स्ट इंक्यूबेटर भी, जो कि आप लोगों को वो भी अपडेट के बाद देखने के लिए मिलेगा गेम में। सो गाइस, वीडियो जरूर एंड तक देखना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। अरे भाई, गोल्ड रॉयल का सवाल है यार, अभी क्या भी लाइक कर दो। और गाइस, चैनल के ऊपर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो गाइस, फिलहाल जो है वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, न्यू मैप का जो ट्रेलर है या फिर हर एक जगह है, वो सारे जगह यहाँ पे रिवील हो चुका है। और आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेलर देख रहे हो नए मैप का। और आप लोगों को पूरा मैप अगर देखना है या फिर उसके रिलेटेड और सारे कंटेंट देखने, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं पूरे मैप का हर एक सीन क्या है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को दिखाए, तो अगर आपको सारे चीज़ देखना है तो कॉमेंट बॉक्स पर थोड़ा सा बताना कि भाई नया मैप का वीडियो, न्यू मैप वीडियो ऐसा लिख देना, तो मुझे पता भी चल जाएगा और मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक या फिर हर एक जगह अलग अलग से आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग ओवरऑल लुक तो देख लियो, नया मैप बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इतना तो गारंटीड है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या ही डिज़ाइन है, लाइक नेक्स्ट लेवल, ठीक है, नेक्स्ट लेवल है। जैसा यहाँ पे आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया था वैसा ही दिख रहा है, और यहाँ पे उससे ज़्यादा बेटर, मतलब यहाँ पे आप क्या बोलूँ भाई, एक्सपेक्टेशन जितना था उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये होने वाला है। सो यहाँ पे चलो गाइस, फिलहाल हम लोग आज के वीडियो के अंदर बात करते हैं अपकमिंग नेक्स्ट इंक्यूबेटर की। सो गाइस, नेक्स्ट जो इंक्यूबेटर होने वाला है वो आप लोग अभी फिलहाल देखने वाले, उसके कॉस्ट्यूम्स बहुत ही ओपी लग रहा है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेल बंडल, और मेल बंडल के अंदर जो रेड कलर का कॉस्ट्यूम आपको देखने के लिए मिल रहा है इंक्यूबेटर का, वो देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है। बस ये पीछे का एनिमेशन भाई थोड़ा सा लाइक अजीब लग रहा है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट्यूम काफी ओपी लग रहा है यहाँ पे देखने में। इसका जो हेयर स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका जूता बहुत अच्छा है, मुंह का जो मार्क्स है वो एकदम घटिया है, मतलब हद से ज़्यादा घटिया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कोट है वो भी कुछ खास नहीं लग रहा है, बट इसका जो पैंट है और जो जूता है और जो हेयर स्टाइल है, ये तीन चीज़ें काफ़ी ओपी लग रहा है, ठीक है। सो ये आता है यहाँ पे अपना रेड ब्लैक कलर के कॉम्बो के अंदर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे पर्पल ब्लैक वाला, ठीक है, ये वाला भी देखने में सेम है, और बस इसका जो एनिमेशन है वो यहाँ पे चेंज है, देख सकते हो पीछे वाला, ठीक है। इसका एनिमेशन थोड़ा कम है, इस वजह से थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो पीछे एनिमेशन निकलता है ना भाई इंक्यूबेटर के कॉस्ट्यूम से, ये लाइक ट्रेंड बन गया गरीना का, रिसेंट ट्रेंड है ये, हर कॉस्ट्यूम के पीछे पीछे ऐसा ऐड कर देता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बताना आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। इसका मार्क्स दे सकते हो कैसा है भाई, लाइक क्या ही बोले भाई, कैसा मार्क्स बना यार मुझे पता नहीं, बट इसका हेयर स्टाइल भी सेम है, बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ पैंट भी थोड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है। जूता इसका कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। फिर आता है गोल्डन कलर वाला, भाई ये बहुत ओपी लग रहा है देखने में। जितने भी कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे दिखे हैं इंक्यूबेटर के, उसमें से ये वाला सबसे ओपी लगा है देखने में मुझे। और देख सकते हो इसका कोट कैसा है, ये भी देख सकते हो यहाँ पे, इसका हेयर स्टाइल देख सकते हो कैसा है, और यहाँ पे ओवरऑल जो बंडल है वो देखने में अच्छा है। साथ ही साथ ये जो स्नो टाइप का दिखने वाला बंडल है भाई, ये भी ब्लू कलर के अंदर आ रहा है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। ये आप लोग बोल सकते हो कि पूरा ब्लू नहीं है, लाइक थोड़ा व्हाइटिश टाइप का ब्लू है, और यहाँ पे देखने में काफी अच्छा लग रहा है, एक नया कलर दिखा है। लाइक हर बार क्या करते हैं, पूरा नीला कर देता है, पूरा लाल होता है, तो इस बार थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, ये देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे कॉस्ट्यूम सारे के सारे आप लोगों ने देख लिया, मेल वाले दिखाए, फीमेल वाले फिलहाल नहीं दिखाए। सो यहाँ पे मेल वाले बंडल में से कौन सा आप लोगों को सबसे अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। मेरे को जो मैंने आप लोगों को बोला ब्लू वाला, जो यहाँ पे कुछ नया लुक के साथ आ रहा है, वो देखने में मुझे सबसे अच्छा लगा है, ठीक है। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा पसंद है, ओके। सो गाइस, यहाँ पे चलो आप लोगों को मैं और दो कॉस्ट्यूम दिखाता हूँ, जो दोनों नए कॉस्ट्यूम्स है, और ये आप लोगों को आफ्टर OB31 अपडेट देखने के लिए मिलेगा, और ये आप लोगों को सिर्फ OB31 के बाद नहीं मिलेगा, ये लोडिंग स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। सो हो सकता है आप लोगों को ये कुछ स्पेशल इवेंट के अंदर मिले, या फिर हो सकते हैं आपको मिस्ट्री शॉप के अंदर मिले, कुछ भी हो सकता है, तो बाद में पता चलेगा। चलो कॉस्ट्यूम्स आप लोगों को दिखाता हूं, बहुत ही ज्यादा ओपी कॉस्ट्यूम्स है, चलो देखते हैं। तो गाइस, ये जो कॉस्ट्यूम है यहाँ पे, ये मेल एंड फीमेल में आता है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जो फीमेल वाला है वो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पे आप लोगों को मेल वाला भी देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा आर्कटिक ब्लू जैसा यहाँ पे लुक है इसका। इसका जो हेयर स्टाइल है लाजवाब है, और यहाँ पे साथ ही साथ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो इसका फीमेल वाला जो यहाँ पे है ना, ये भी कितना ओपी लग रहा है देखने में। लाइक दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मेल वाला तो मुझे पूरा आर्कटिक ब्लू बंडल का नया रूप लग रहा है देखने में, वहीं पर फीमेल वाला जो है वो हर एंगल से बीस्ट लग रहा है देखने में। ये कॉस्ट्यूम काफी दिन बाद कुछ ऐसा आ रहा है, देख के अच्छा लगेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मिस्ट्री शॉप पे नहीं मिलेगा, मिस्ट्री शॉप ऐसे टाइप के कॉस्ट्यूम अच्छे नहीं मिलते हैं, उटपटक मिलते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं ये किसमें दिया जाता है, ये डायमंड रॉयल भी हो सकता है। सो गाइस, क्या
लगता है आप लोगों को ये किस पे मिलेगा, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आपको ये कॉस्ट्यूम पसंद आए, ये भी जरूर लिखना। सो गाइस यहाँ पे चलो अभी हम लोग देखने वाले अपकमिंग न्यू गोल्ड रॉड। अभी तक वीडियो आप देख रहे हो तो आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आ रही है तो अभी कभी लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर करना जरूर, क्योंकि गोल्ड रॉयल का सवाल है और इस बार का गोल्ड रॉयल भाई अलग ही लेवल का होने वाला है, चलो देखने वाले। सो गाइस यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो बंडल देख रहे हो, मुझे पता है आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा बंडल गोल्ड रॉयल में भाई ऐसा ही होने वाला है। ये बंडल आप लोगों को गोल्ड रॉयल के अंदर देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल होगा गाइज वो मोस्टली फीमेल वाला ही होगा। सो ये वाला बंडल आपको देखने के लिए मिलेगा और गाइज इसका जो मेल वाला है वो आप लोगों को एफएफ टोकन में मिलेगा, थोड़ा सा वर्क करो वो भी दिखाऊंगा। सो अगर बात की जाए फीमेल बंडल की तो भाई टोटली रियलिस्टिक वाला बंडल है, हर एंगल से बहुत ओपी है, आप लोग देखो और देख के बताओ कैसा लग रहा है देखने में। और गाइज यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये जो है थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर जैसा ही लग रहा है, इसका हेयर स्टाइल देखोगे तो देखो यहाँ पे हेयर स्टाइल है ना थोड़ा बहुत इंडियन टाइप का लग रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका लुक है वो भी लाइक थोड़ा रानी महारानी टाइप का लग रहा है देखने में, तो काफी ओपी है। और इसका जो मेल वाला बंडल है ये देख सकते हो, ये एफएफ टोकन में मिलेगा। अगर आपको ये गोल्ड रॉयल मिलता है तो दूसरा वाला एफएफ टोकन में, अगर आपको वो वाला गोल्ड रॉयल मिलता है तो ये वाला एफएफ टोकन में। इसका जो मेल वाला बंडल गाइस देख रहे हो आप लोग कितना ऑसम लग रहा है देखने में, जरा देखो यार ये बंडल्स गरीना दे रही है गोल्ड रॉयल के अंदर, या फिर बोल सकते हो फ्री में एफएफ टोकन से भी मिल जाएगा आपको। सो गाइस कैसा लग रहा है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आई होप आप लोगों को पसंद आ रही है। सो 30,000 लाइक का एमरा ग्रो आई होप आप लोग कर दोगे कंप्लीट। सो गाइस और बताना है आप लोगों को कैसा लगा है गाइस, जो भी बंडल आपको देखने के लिए मिले मेल हो या फीमेल दोनों में से एक भी मिल जाए तो ही बहुत होता हम लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे बंडल्स तो हमको डायमंड रॉयल पे भी नहीं मिलता है। डायमंड रॉयल पे हम लोगों को मिलता है वो छछुंदर टाइप का दिखने वाला शार्क, और इनक्यूबेटर के अंदर मिलता है चमक धमक वाला कॉस्ट्यूम। उस हिसाब से देखा जाए तो भाई गोल्ड रॉयल इनसे बहुत गुना अच्छा है, मैं ऐसा बोलूंगा। आप लोग बताना आप लोगों को क्या लगा, क्या मेरे बात से आप भी एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। सो गाइस चैनल को बढ़ने और सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन पर सब्सक्राइब कर दो, इसी तरीके से हर एक अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाने के लिए बिल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करो, और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और वहां पे जाके सब्सक्राइब कर देना। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलता हूं आपसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।